विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कितने मार्क्स का क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे जाते हैं, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से किताब पढ़ना है। तो पहले हम ये जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं, यानी सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। चलिए तो आप हमें बताते हैं आप लोगों को कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से किताब पढ़ना है। तो पहला है इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। और इनके पिता कौन है, तो इनके पिता हेरोडोटस है। और जो दूसरा किताब है राजनीतिक विज्ञान, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के पिता किसे कहते हैं, तो इनके पिता है अरस्तु। चलिए तो तीसरा किताब है आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और इनके जो पिता है एडम स्मिथ है। और चौथा जो किताब पढ़ना है आप लोगों को वह भूगोल है। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं, जो इनके पिता है यूरोस्थनीज है। और जो पांचवा किताब आप लोगों को पढ़ना है वह आपदा प्रबंधन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, यानी कि यह एक अंततः विशेष क्षेत्र का सामान्य नाम है। ये आपको पांचों किताब आप लोगों को पढ़ना है। और अगले हम और फिर हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि बताएंगे आप। चलिए तो सोशल यानी कि सामाजिक विज्ञान में कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 20 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल होता है, जो ही स्कूल में ही इसका एग्जाम होता है। और जो जो बच गया 80 नंबर वह वार्षिक परीक्षा में जो होता है पेपर जो सेंटर का होता है वो 80 अंक का पूछा जाता है, जिसका समय 2 घंटा 45 मिनट का होता है। और 80 अंक जो पूछे जाते हैं सेंटर पर उसमें कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं और कितने सब्जेक्टिव होते हैं, तो हम चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए तो 80 अंक जो 80 अंक का जो पेपर होता है सेंटर पर, उसमें से 40 अंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 40 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फिर आगे बताएंगे कि 40 अंक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वह कौन कितने कितने कौन कौन से किताब से आते हैं, तो हम आपको बताएंगे होता है किस किताब से कितने अंक का पूछता है वो हम आपको बताते हैं। इतिहास से 10 अंक का पूछता है, राजनीतिक विज्ञान से आपको 8 अंक का पूछता है, और अर्थशास्त्र से 8 अंक का पूछता है, भूगोल से 10 अंक का पूछता है क्वेश्चन, और आपदा प्रबंधन से 4 अंक का क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो 80 अंक का जो पेपर होता है खंड अ में 40 अंक का प्रश्न पूछता है, वह सेशन ए होता है जिसमें 48 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिसमें 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और खंड बी यानी सेशन बी में भी 48 अंक का प्रश्न पूछा सॉरी 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें वह सब्जेक्टिव होता है। और आगे हम यह बताएंगे कि जो 40 अंक का सब्जेक्टिव होता है किस किताब से कितने प्रश्न का पूछा जाता है वह हम आगे बताएंगे आप लोग को। चलिए तो 40 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो इतिहास से लघु क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 ही बनाना होता है और जिसका अंक मिलेगा आपको 6, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, यानी
दो इंटू थ्री यानी छ अंक, और दीर्घ और इसी से दीर्घ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दो को पूछे जाते हैं जिसमें से आपको एक ही का उत्तर देना होता है और उसका जो मार्क्स होगा वह चार अंक मिलता है। और इसी तरह फिर राजनीतिक विज्ञान में जो लघु क्वेश्चन पूछेगा आपसे, छ को पूछेगा जिसमें से आपको दो को का ही आंसर देना होगा और जो उसका मार्क्स होगा टू इंटू टू यानी चार अंक का होगा। और इसी में दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे दो पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एक ही का उत्तर देना होगा, वह अंक मिलेगा आपको चार अंक का। चलिए तो अब फिर आगे हम बताते हैं। चलिए जो अब अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लघु जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन पूछते हैं आपसे और आपको दो ही का आंसर देना होता है जो कि चार अंक का होता है। और उसी में दीर्घ उत्तरीय दो को पूछता है जिसमें से एक का उत्तर आपको देना है और जो एक का उत्तर दीजिएगा उसका अंक जो मिलेगा आपको चार अंक का मिलेगा। और अगला जो है भूगोल। भूगोल में जो लघु क्वेश्चन है वह पांच पूछे जाते हैं जिसमें से आपको तीन ही का आंसर देना होगा और जो उसका मार्क्स होगा वह छ अंक का होगा। और उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे दो जिसमें से एक का ही उत्तर आपको देना होगा और उसका जो अंक मिलेगा आपको चार अंक का मिलेगा। चलिए अब है जो अंतिम पार्ट, अंतिम किताब है आपदा प्रबंधन। उसमें लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार जिसमें से आपको दो ही का उत्तर देना होता है और जिसका अंक मिलेगा आपको चार। चलिए और इसमें जो होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे और वह